हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू एपिसोड ऑफ ग्रूमिंग गुरु। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी लिप स्वाचेस फ्रॉम द ब्रांड शुगर मैट एज हेल लिप क्रेयॉन के बारे में। और ये शेड्स अगर आप न्यूली वेडेड ब्राइड हैं या फिर आपकी बहुत जल्दी शादी होने वाली है तो आपके लिए ये शेड्स मस्ट हैव हैं। अगर आपको लिपस्टिक के बोल्ड कलर्स पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक देखिए बिना स्किप किए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मेरे पास है शुगर ब्रांड की तरफ से मैट एज हेल लिप रेंज, जो है उसके 3 शेड्स हैं मेरे पास। ये वाली जो लिपस्टिक्स हैं ये पूरी तरह से मैट नहीं है, ये आपको एक क्रीमी मैट फिनिश देती हैं। बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी इन लिपस्टिक्स के ऊपर आ चुके हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि ये लिपस्टिक्स सुपर लॉन्ग लास्टिंग है और बिल्कुल भी फेड आउट नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लिपस्टिक्स मैं खुद बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ और अभी मेरे पास ये 3 शेड्स ही बचे हुए हैं, तो इसलिए मैं इनका रिव्यू कर रही हूँ। एक्चुअली मैं आपको बिल्कुल अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी कि मेरा एक्सपीरियंस इन लिपस्टिक्स के साथ कैसा रहा और ये लिपस्टिक्स एक्चुअल में कैसा वर्क करती हैं, कितना देर लास्ट करती हैं, कितना नहीं करती। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इन लिपस्टिक्स के बारे में बताऊंगी। सबसे पहली बात मैं आपको इसका प्राइस बता देती हूँ। इसका प्राइस है 800 रुपीज़। मुझे इसका थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा क्योंकि शुगर क्रेम करता है कि ये लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक्स हैं, बट मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ ऐसा नहीं था। मैंने पूरी तरह, मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ तो मुझे पता है ये कितनी देर लास्ट करती है, तो वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी सारी चीज़ें। वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये शार्पन करनी पड़ती है, हमें शार्प करनी पड़ेगी। आप ये रिट्रैक्टेबल फॉर्म नहीं है। रिट्रैक्टेबल होने से क्या होता है कि लिपस्टिक जो होती है वो वेस्ट नहीं होती है। आप जब शार्प करोगे शार्पनर से तो क्या होता है कि जब लिपस्टिक साइड से पील होती है ना तो वो प्रोडक्ट भी वेस्ट चला जाता है। तो एक इसका ये माइनस पॉइंट ये भी है। दूसरी बात ये कि ये लिपस्टिक लास्ट कितना करती है, कितनी देर तक हमारे लिप्स पे स्टे करती है। तो सबसे पहले मैं जो लिप्स वॉच कर रही हूँ ये है पॉइजन आईवी शेड नंबर 03, ठीक है। मैंने ये लिपस्टिक्स इसलिए परचेज किए थे क्योंकि इनके शेड इतने ज्यादा ब्यूटीफुल शेड हैं, बहुत ज्यादा। आप देख सकते हो कि शेड कितना प्रिटी है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल शेड है। फेस्टिव सीजन के हिसाब से या फिर वेडिंग सीजन के हिसाब से परफेक्ट ब्राइडल शेड है। आप इसको डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। लिपस्टिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है। कुछ शेड्स ऐसे हैं जो बहुत टाइम तक स्टे करते हैं, लेकिन कुछ शेड्स हैं जो पैची भी हैं और ज्यादा टाइम तक स्टे भी नहीं करते, तो उनमें से ये एक शेड है पॉइजन आईवी। लेकिन शेड की बात करें तो शेड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल शेड है। इसको मुझे कई बार रीअप्लाई करना पड़ता है। अगर मैं कुछ खा लेती हूँ तो मुझे फिर से रीअप्लाई करना पड़ता है क्योंकि और ज़्यादा पैची हो जाता है। ये प्रॉपर मरून शेड आप इसे कह सकते हैं। ट्रांसफर टेस्ट देख लेते हैं इसका। ये देखो उतना ज्यादा देखिए पैची होता जा रहा है, जहां जहां से निकलता जा रहा है। बस यही इस शेड की प्रॉब्लम है। अब हम नेक्स्ट शेड का लिप स्वॉच करते हैं। ये है स्कारलेट ओहारा 01। ये वाला जो रेड है ना ये प्रॉपर एक ब्लू टोन रेड है। सो दिस इज द स्कारलेट ओहारा 01। इजंट इट ब्यूटीफुल। जब आप खाना वाना खाएंगे या पानी पिएंगे, कुछ भी आप लेंगे, तो आपका ये शेड रिमूव होना शुरू हो जाएगा और ये बड़ी बुरी तरीके से निकलता है। ये इनर साइड से निकलना शुरू हो जाएगा और आउटर जो एजेस है वहां पर रह जाएगा, तो ये बड़े गंदे तरीके से निकलता है। तो जब भी मैं ये वाली लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ तो ये लिपस्टिक अपने साथ पॉकेट में लेके जाती हूँ क्योंकि कहीं खाना वाना पड़ता है तो फिर दोबारा से मुझे छुपके से रीअप्लाई करना पड़ता है। ये है इसका माइनस पॉइंट। लेकिन अगर शेड की बात करें तो शेड इज परफेक्ट रेड।
हो रहा है ना ट्रांसफर। लिप्स पे तो कंफर्टेबल है बट ये प्रॉपर मैट नहीं है, शेड की वजह से ही ना ये लिपस्टिक्स मैंने परचेज किए थे। अब बात करते हैं हमारे लास्ट शेड की, जिसका नाम है बेबी हाउसमैन शेड नंबर 12। ये भी एक ब्यूटीफुल वाइन शेड है। वैसे तो ये तीनों शेड्स मेरे एब्सोल्यूट फेवरेट हैं। अगर मुझे कहीं पर आउटिंग पे जाना है तो मैं ये बोल्ड शेड्स में तो मैं तीन शेड्स ही लेकर जाती हूँ, बाकी न्यूड शेड्स जो मैं लेती हूँ वो भी मेरे शुगर ब्रांड से ही होते हैं। तो चलिए इसका लिप स्वॉच देख लेते हैं। सो गाइज, दिस इज द शेड बेबी हाउसमैन 12। गलत तो नहीं कह रही थी ना मैं कि है ना बहुत ज्यादा सुंदर शेड। कोई भी ब्राइड हो, न्यूली ब्राइड हो या फिर वुड बी ब्राइड हो, आपके लिए मस्ट हैव शेड्स हैं। सीरियसली आप खुद देख सकते हो कि तीनों शेड्स कितने ज्यादा प्रिटी हैं, कितने ज्यादा ब्यूटीफुल हैं। इनसे ना ये तीनों शेड्स में से कोई भी ऐसा शेड नहीं है जो कि आप खराब कह सकते हो या फिर सोसो कह सकते हो। तीनों अपनी अपनी जगह बेस्ट हैं। अभी मैंने अपनी स्किन पे ना मेरी जो स्किन है वो बिल्कुल बेयर स्किन है, मैंने सिर्फ काजल, आईब्रोज और ये लिपस्टिक लगाया और इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लगाया। मैं हमेशा बेयर स्किन रखती हूँ, बस सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर रखती हूँ अपने स्किन पे। बाकी आप देख सकते हो बेयर स्किन के साथ ही दिखाती हूँ हमेशा जो भी लिप शेड दिखाती हूँ। ये वाला भी जो शेड है ये आपको प्रॉपर मैट फिनिश नहीं देगा, लेकिन हाँ ये काफी हद तक मैट फिनिश देता है और ये आपको पैची लुक नहीं देगा। ये इवनली स्प्रेड हो गया है मेरे लिप्स पे, बस जब आप कुछ खाओगे तो इनर साइड से हल्का हल्का निकलेगा। बट ये लॉन्ग लास्टिंग है उनसे ज्यादा, जो इससे पहले मैंने दो शेड दिखाए उनसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है ये, काफी देर तक स्टे करता है लिप्स पे और कलर भी बहुत ज्यादा सुंदर है। वैसे तो मुझे तीनों ही कलर्स मेरे एब्सोल्यूट फेवरेट कलर्स हैं, मैं बता ही चुकी हूँ आपको। इस शेड की बात करें तो ये वाला जो शेड है ना ये प्रॉपर एक वाइन शेड है, थोड़ा सा पर्पल अंडरटोन में जाता है ये। तीनों शेड्स में से कोई भी शेड्स अगर लगा लो तो ये शेड्स आपको बिल्कुल आपका फेस एकदम ऐसा कर देंगे, बिल्कुल उजाला सा आ जाएगा आपके फेस पे। सीरियसली मतलब आपको कोई मेकअप करने की जरूरत नहीं है इन तीनों शेड्स के साथ। आपको ट्रांसफर टेस्ट करते हैं इसका, तो ये भी हल्का सा ट्रांसफर तो होता है बट ये फिर भी आपके लिप्स पे काफी देर तक लास्ट करता है। सो गाइज, ये था मेरी फेवरेट लिपस्टिक्स का रिव्यू एंड लिप्स वॉचेस। आई होप कि आपको लिप्स वॉचेस अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।